अल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये रैली निकालने का मकसद है हमारा कि वो मासूम बच्ची आसिफा जिसके साथ इतनी बुरी हरकत हुई है कश्मीर में, उस बच्चे को इंसाफ मिले और वो चार पांच जो दरिंदे थे उनको सजाए मौत सुनाई जाए। अगर हुकूमत उनको सजाए मौत नहीं दे सकती, पुलिस उनको सजाए मौत नहीं दे सकती, तो हमारी इस गवर्नमेंट से अपील है, हमारी तहे दिल से गुजारिश है कि उन हराम खोरों को हमारे हवाले कर दे, हम उनका इंसाफ कर देंगे। अगर इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला, ये बच्ची हो चाहे उन्नाव गांव की वो बच्ची हो, इस मामले में एक महीने में ये अभी तक मैं चार रेप देख चुका हूँ, इन सारी बच्चियों को इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि आज तक जो निर्भया का रेप हुआ था, जो निर्भया एक्ट निकला था, उस निर्भया के एक्ट से लेके अभी तक कई सारे रेप हो चुके हैं, लेकिन हर आरोपी छूट गया, बाहर निकल गया। हमें चाहिए कि अब हुकूमत हमारा साथ दे, इन दरिंदों को हुकूमत सजाए मौत सुनाए। बीजेपी हुकूमत से हम ये कहना चाहेंगे कि बीजेपी हुकूमत ने हमारे शरीयत में काफ़ी सारी पाबंदियां लगाई, तो अब बीजेपी हुकूमत के एमपीज कहाँ गए, लीडर्स कहाँ गए, अब उनके जो भी कार्यकर्ता है सब कहाँ गए, उनकी आंखों को भी ये नहीं दिख रहा क्या? मासूम बच्ची की, 8 साल की बच्ची के साथ इतना बड़ा कांड हो गया, मासूम बच्ची की इज्जत रेजी गई, 8-8 दरिंदों ने मिलके एक मुकद्दस जगह पे, जहाँ पे लोग भगवान को पूजते हैं, भगवान को मानते हैं, उस जगह पे 8 दरिंदों ने मिलके उसका अपहरण किया, 8 दिन तक उसकी इज्जत रेजी की। इसका जवाब बीजेपी को हमें देना पड़ेगा। हम नरेंद्र मोदी से पूछते हैं ये सवाल, उनको हमें इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। इंशाल्लाह अल्लाह फैसला करने वाला है, अगर ये मुकर जाएंगे इनको देने से सज़ा, तो अल्लाह बेहतरीन सज़ा देने वाला है। इंशाल्लाह अल्लाह पैदा करेगा किसी ना किसी को सज़ा देने वाला, इंशाल्लाह। बीजेपी गवर्नमेंट से हम यही मुतालबा करते हैं, आज ये यूथ की तरफ से आज रैली निकाली गई है, गुलशन इकबाल कॉलोनी और यूसुफियन कॉलोनी की यूथ से, यूथ की तरफ से ये रैली निकाली गई है आसिफा के जस्टिस के लिए, क्योंकि ये मुल्क में इंसाफ के उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। ये बात आसिफा की पूरी दुनिया में फैल चुकी हुई है। अगर नरेंद्र मोदी अगर इस बच्ची के संगत अगर इंसाफ नहीं करे, तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत के ऊपर बहुत बड़ा जो है ना धब्बा लग जाएगा। और जो संजीव राम जो बोलता है कि उसको मार्कोटैक्स कराओ, बल्कि उन्हें मार्कोटैक्स क्या कराएगा, मार्कोटैक्स वालों को खुद खरीद लिया है वो। उसको कड़े से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उसको सज़ाए मौत भी नहीं देना, उसको उससे बदतर सज़ा देना उसको, जो नाहक 8 दिन तक बच्ची की इज्जत रेजी करे और एक अंडर एज का बच्चे को बुला के, गाँव से बुला के उसके संगत भी उसके संगत बलात्कार कराने लगा है बच्ची का। तो हम मुतालबा करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का नरेंद्र मोदी से कि इंसाफ करे और सख्त से सख्त कार्रवाई से इसकी सज़ा दें, इसको फांसी की भी मौत नहीं दे, इसे बदतर डेली रोज़ मारे उसको, ताकि उन्हें हैबत से मर जाए उन्हें। और जो है सो नरेंद्र मोदी अगर फैसला कर नहीं कर सके, आवाम के हाथ में छोड़ दे, आवाम फैसला कर देगी इसका इंशाअल्लाह ताला। ये रैलियाँ निकलते जाएंगी, जब तक आसिफा को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम हमेशा लगातार हम फैसले के लिए करेंगे। और दीपक कजौरिया जो होशियारियाँ कर रहा है, बेकारी की होशियारियाँ कर रहा है वो, हालांकि मेन अक्यूज़ वो है दीपक कजौरिया, उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए उसको, ले गया के जैसा कि ईरान के अंदर जो उसको गोली मार देते हैं, वैसे इसको गेट ऑफ इंडिया के पास लिया गया या गेट ऑफ इंडिया के पास लिया गया कि उसको सजाए मौत देनी चाहिए। बस हम यही मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से कि इंसाफ करे बच्ची के संगत, वरना नहीं तो बात पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर उतर जाएगा। यह नरेंद्र मोदी की हुकूमत 2019 में नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। नरेंद्र मोदी से हम यही अपील करते हैं कि वो फैसला करे, अगर फैसला नहीं कर सकते तो आवाम के ऊपर छोड़ दें। शुक्रिया। तो आज रैली निकालने का यही मकसद है, जो आसिफा का रेप हुआ है हम उसके लिए इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। हुकूमत से और पुलिस से हम मुतालबा करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। जो बच्ची का 8 दिन से जो रेप करता गया है, 8 जने जो दरिंदे थे, हमारे से सिर्फ एक ही मुतालबा है, इतने आज तक जितने भी रेप हुए हैं, आज तक तो किसी को सज़ा कुछ सुनाई नहीं गई है। हम ये चाह रहे हैं कि इन लोग को पूरों को फांसी की सज़ा हो, या नहीं तो हमारे हवाले, पब्लिक के हवाले कर दीजिए। बस यही गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा है। बस अल्लाह हाफिज़। के शुक्र गुजार है हम, जो हमारे को ACP फैयाज साहब ने परमिशन दिया है, चरण गुट्टा CI प्रकाश रेड्डी सर और हमारे वेंकटेश राव सर, हमको आज जो रैली निकालने का मकसद ये है कि जो जम्मू कश्मीर में जो गैंग रेप हुआ था, इसके एहतजाज के लिए हम रैली निकाले। और मेरा हिंदुस्तान के हुक्मरानों से ये सवाल है, जब 2013 या 2014 में जब दिल्ली में गैंग रेप हुआ था, तो जब ने हुकूमत पे, जब कांग्रेस की हुकूमत और मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे,
तो अपने स्मृति ईरानी ने भेजे, मनमोहन सिंह को चुड़ियां भेजे थे। आज मेरा सवाल है स्मृति ईरानी से कि आज तुम प्रधानमंत्री मोदी को ये सब क्या भेजेंगे? आप चुड़ियां भेजेंगे या बालियां भेजेंगे या साड़ी भेजेंगे, क्या भेजना चाह रहे हैं? और मेरा दीपक शर्मा से और ये दीपक खजूरिया और ये सो प्रवीण टुगारिया, पूरे RSS विश्वांदु परिषद बजरंग दल जितने भी लोग हैं, आज पूरी दुनिया में लोग हिंदुस्तान को कुछ साल पहले हिंदुस्तान को ऊंची नजर से देखा जाता था, लेकिन जब से बीजेपी की हुकूमत आ गई तब से हिंदुस्तान को छोटी नज़र से देखा जा रहा, क्योंकि यहाँ औरत की इज्जत नहीं है और गाय की इज्जत है।